नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक रोजगार समाचार। आज है 30 नवंबर 2019। आज हम बात करेंगे विभिन्न भर्तियों से जुड़े मुख्य समाचार के बारे में, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी हिम्मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, मैं अपने प्रत्येक वीडियो में मुख्य समाचार के साथ साथ आपको दो प्रश्नों के बारे में जानकारी देता हूँ जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपके लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए सबसे पहले उन दोनों प्रश्नों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आज की ताज़ा खबरों के बारे में जानेंगे। आज के इस वीडियो का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी। आज के इस वीडियो का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ए, ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, विटामिन ए। आज के इस वीडियो का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है समतल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, उत्तल दर्पण। अब आइए आज की ताज़ा खबरों के बारे में जान लेते हैं। आज की पहली ताज़ा खबर टीईटी परीक्षा 2019 की है। टीईटी परीक्षा 2019 में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी पहुंचे हाईकोर्ट। प्रदेश के गैर प्रशिक्षित कार्यरत शिक्षकों ने टीईटी 2019 में शामिल होने के लिए मान्यता नहीं देने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इनका कहना है कि एनसीटीई की गाइडलाइंस के मुताबिक सभी योग्यताएं होने और मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड की डिग्री लेने के बावजूद टीईटी 2019 के जारी शासनादेश में उनको शामिल नहीं किया गया है। अखिलेश सिंह चौहान और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने एनसीटीई से इस मामले में जवाब तलब किया है। याचिका पर अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2019 को होगी। आज की दूसरी ताज़ा खबर राजस्थान लोक सेवा आयोग की है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 29 नवंबर 2019 को सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा 2018 के संबंध में एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया गया है क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र में परिवर्तन किया गया है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, अतः अभ्यर्थी परिवर्तित परीक्षा केंद्र पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। उक्त परीक्षा केंद्र के अभ्यर्थी पुनः अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेवें। तो आप सभी राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर प्रवेश पत्र को पुनः डाउनलोड करें। अगर आपके परीक्षा केंद्र में परिवर्तन हुआ होगा तो आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जो भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आगे आपको दी जाएगी। आज की तीसरी ताज़ा खबर 69,000 शिक्षक भर्ती की है। 69,000 शिक्षक भर्ती कटा मामले की सुनवाई 4 दिसंबर 2019 को कोर्ट नंबर 4 में होगी। 4 दिसंबर 2019 की डेली कार्यलिस्ट जारी हो चुकी है। माननीय जस्टिस पंकज जायसवाल और माननीय जस्टिस इरशाद अली की खंडपीठ में 4 दिसंबर 2019 को दिन बुधवार है 3:20 से केस की सुनवाई की जाएगी। जो भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी, सही और सटीक जानकारी प्राप्त होने के बाद ही दी जाएगी। आज की चौथी ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम व नियुक्ति को लेकर है। नियुक्ति व परिणाम की आस में बैठे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब दे चुका है। अब अभ्यर्थी निर्णायक लड़ाई का मन बना चुके हैं। इसके मद्देनज़र शुक्रवार को आज़ाद पार्क में अभ्यर्थियों की आम सभा हुई। सबने एकजुटता से संकल्प लिया कि परिणाम व नियुक्ति मिलने तक वह न रुकेंगे न झुकेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा है। अध्यक्ष से मुलाकात सार्थक न होने पर आयोग परिसर में अमरण अनशन करने का निर्णय किया गया है। तो देखना होगा कि जो पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार को भेजा गया है, क्या उस पत्र से अभ्यर्थियों को मिलने का मौका दिया जाता है या नहीं। अगर मौका मिलता है तो क्या उससे कोई निष्कर्ष निकलेगा, अभ्यर्थियों को आश्वासन मिलेगा, आश्वासन सार्थक होगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। जो भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। आज की पांचवी ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की है।
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के नए भर्ती का विज्ञापन मार्च 2020 में जारी किया जाएगा। कारण है कि अधिकारियों की सुस्त कार्यप्रणाली से अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का अधियाचन इस साल आ पाना मुश्किल लग रहा है। प्रतियोगी छात्रों को अध्याचन के लिए नए साल यानी 2020 की प्रतीक्षा करनी होगी। आपको बता दें कि मौजूदा कार्यप्रणाली को देखते हुए नया अध्याचन जनवरी 2020 के अंत या फरवरी 2020 के प्रथम सप्ताह तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। एडेड डिग्री कॉलेजों में 4600 के लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं। उसे भरने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय अध्याचन तैयार करवा रहा है। अध्याचन जारी होने पर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को विज्ञापन संख्या 39 के तहत भर्ती करने का निर्देश दिया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय को उक्त विज्ञापन के लिए 3800 से अधिक पदों पर ब्यौरा प्राप्त हो चुका है। शासन ने प्रदेश भर के डिग्री कॉलेजों में नए सिरे से शिक्षक व छात्र का अनुपात तय करने का निर्देश दे दिया है। तो जो भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। आप मानकर चलिए कि 3800 से अधिक पदों पर ही विज्ञापन जारी होगा, उससे कम नहीं जारी होगा और विज्ञापन मार्च माह में जारी होगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। आज की छठवीं ताजा खबर बिहार लोक सेवा आयोग की है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। अगर आप इस लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस भर्ती से जुड़े हुए हैं तो आप इस टॉपिक को पढ़ना मत भूलें, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और इसमें सभी के नाम दिए हुए हैं जितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं। तो जो भी जानकारी होगी बिहार लोक सेवा आयोग की भर्तियों से संबंधित इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। आज की सातवीं ताजा खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा DB नियुक्ति परिणाम के संबंध में जो जानकारी प्राप्त हुई है आइए जान लेते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि BDO भर्ती 2018 की DB दिसंबर के प्रथम पक्ष में शुरू होगी। ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। नियुक्ति के संबंध में जो जानकारी प्राप्त हुई है कि ट्यूबवेल ऑपरेटर के अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिसंबर के अंतिम और जनवरी के प्रथम सप्ताह तक कराई जाएगी। और तीसरी खबर है परिणाम के संबंध में, परिणाम लोअर टू का जारी होने वाला है, अगले सप्ताह में जारी किया जाएगा।